नमस्कार। गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। प्रधान डाकघर में सुकन्या योजना का बकाया किश्त जमा करने गए नीलम सिंह से मदद के नाम पर जालसाज 50,000 रुपए लेकर फरार हो गया। पिता डाकघर से रिटायर्ड थे, इस वजह से नीलम को लगा कि वो पिता का परिचित है और मदद कर रहा है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से जांच कर रही है। आरोपी पर केस दर्ज किया गया। आपको बता दें कि तारामंडल के गौतम विहार कॉलोनी निवासी नीलम सिंह के पति धीरेन्द्र सिंह देवरिया के रुद्रपुर में ईंट भट्टा चलाते हैं। नीलम के पिता वर्ष 2005 में मुख्य डाकघर से डिप्टी पोस्ट मास्टर के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। नीलम ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वो दिन में 12:30 बजे गोलघर मुख्य डाकघर में 9 महीने से बाकी सुकन्या का किश्त जमा करने गई थी। जैसे ही वो अंदर पहुंची, मुंह पर मफलर बांधे एक युवक उनके पास पहुंचा, बोला कि फॉर्म ले लिए हैं, लाओ भर कर जमा कर दे रहे हैं, तब तक बाहर से फोटोकॉपी करा कर लाएं। परिचित समझकर युवक को फॉर्म और किश्त के रूप में देकर फोटोकॉपी कराने चली गई। वापस लौटने पर युवक अंदर से गायब था। महिला ने बताया कि इसके पहले जब वो डाकघर आई थी तो फॉर्म भरने संबंधित अन्य बातें हुई थी। युवक जब पास आया तो उसने वही सवाल पूछे जिसकी बात उन्होंने की थी। उधर घटना के बाद पुलिस ने डाकघर में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को जांचा तो 12:34 बजे आरोपी युवक रुपए वाला झोला लेकर बाहर जाते हुए देश को वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त बनाने में निक्षय मित्रों की अहम भूमिका है। निक्षय मित्र टीबी मरीज को गोद लेकर उन्हें इलाज चलने तक प्रति माह पोषक सामग्री देते हैं और उन्हें मानसिक संबल भी प्रदान करते हैं। इससे टीबी मरीज भावनात्मक तौर पर और पोषण के स्तर पर मजबूत हो जाता है और ठीक होने में मदद मिलती है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के पब्लिक प्राइवेट मिक्स समन्वयक अभय नारायण मिश्रा ने पिता की पुण्यतिथि पर एक टीबी मरीज युवक को और चिकित्सक डॉक्टर मुस्तफा खान ने अपने जन्मदिन पर एक 42 वर्षीय टीबी मरीज एवं 3 वर्षीय टीबी उपचाराधीन बच्ची को गोद लिया। तीनों मरीजों के लिए पोषण पोटली देकर उन्हें सहयोग का आश्वासन दिया गया। जिला क्षय रोग अधिकारी ने जनपद वासियों से अपील की है कि वो अपने जीवन के प्रमुख अवसरों जैसे जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ, बच्चों के जन्मदिन, घर के प्रमुख व्यक्ति की पुण्यतिथि पर टीबी मरीजों को गोद लेकर निक्षय मित्र बने और टीबी मुक्ति को योगदान दें। सामग्री दिया जा रहा है, जब तक आपका दवा चलेगा, उपचार उतने दिन तक सही समय पे दवा चलेगा, ठीक। और मुझसे पोषण योजना की तरफ से आपको 500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। कोई भी बीच में आपको दिक्कत हो रहा है या हम हर महीने आपको ऐसे पोटली दे के आपसे मुलाकात करेंगे, कोई दिक्कत होता है हमको आप फोन कीजिएगा, हम आपकी सारी समस्याओं का निपटारा करेंगे। जो भी दवा है, जाँच है, सब फ्री में आपका इलाज होगा। कैमरे में अभी आपको पोषण के लिए सब दिया जा रहा है, ठीक है। आगे से कोई भी आवश्यकता है आपको रेगुलर 6 महीने 8 महीने 12 महीने तक जब भी जरूरत पड़ेगी, टीबी के मरीजों के लिए पोषण की बहुत आवश्यकता होती है। जब भी जरूरत पड़ती है हम लोग हमेशा आपके लिए अवेलेबल हैं। आपका नंबर मेरे पास है, आपको मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, तो जब भी जरूरत पड़ेगी आप कॉल करते रहिए। आपकी हाल चाल, दवाई प्रॉपरली लेना है, घबराना नहीं है। लोगों के मन में जो अफवाहें हैं कि ये टीबी एक दूसरे से फैलता है, एक बार दवाई शुरू होने के बाद, एक बार आपने दवाई खाना शुरू कर दी तो इसका स्प्रेड अपने आप बंद हो जाता है। ये लोगों को अवेयर भी करना है और पोषण के लिए जो भी हो सकता है अपना ख्याल रखना है, दवाई टाइम से ले। गोरखपुर के सिद्धार्थ त्रिपाठी जो कि ANDT के संस्थापक हैं, इन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी जो कि ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक संस्थान है, इसके साथ कोलैबोरेशन करके कुछ जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम को लेकर आए हैं। इन नौकरी प्रेरक प्रोग्राम में एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से हो रहा है। इंडिया के विभिन्न राज्यों से भारी मात्रा में लोग एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं, जिसका नोटिफिकेशन 2 दिसंबर को रोजगार समाचार पत्र में आया था। NISST की वेबसाइट व कॉन्टेक्ट नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए ANDT के संस्थापक सिद्धार्थ त्रिपाठी ने कहा, जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम जिसके लिए भारत के विभिन्न राज्यों से हमारे पास भारी मात्रा में आवेदन आ रहे हैं। आवेदनकर्ता 10वीं वर्ग के लोग भी हैं जो 10th पास हैं, 12th पास हैं, साइंस बैकग्राउंड से, कॉमर्स बैकग्राउंड से ग्रेजुएट लोग, पोस्ट ग्रेजुएट लोग, हर एक वर्ग के लोग इन नौकरी प्रेरक प्रोग्राम्स में भाग लेने के लिए आवेदन कर रहे हैं। हमारे पास इसमें इन लोगों के लिए स्कॉलरशिप का भी प्राविधान है। कई लोगों को 100% स्कॉलरशिप दिया जाएगा, फिर कुछ लोगों को 80% और कुछ लोगों को 50% तक का स्कॉलरशिप देने का भी प्राविधान है। और जैसा कि आपको पता है कि अंतिम तारीख है आवेदन पत्र के लिए 31 दिसंबर 2023,
तो जो लोग अभी आवेदन नहीं कर पाए हैं वो लोग आवेदन कर सकते हैं निस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके www.nisst.org पे जाएं। वहाँ पे फिर सर्विस सेक्शन में जाना है, फिर आपको HRD में जाके फिर आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाना है, और वहाँ पे कोर्सेज की लिस्ट दे रखी है, प्रोग्राम्स की लिस्ट दे रखी है, और वहाँ से सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रवेश परीक्षा के लिए अप्लाई करना है। फिर जब आपका प्रवेश परीक्षा पास हो जाता है उसके बाद आप विभिन्न कोर्सेज में से अपने लिए जो आपके लिए बेस्ट कोर्सेज है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। कोर्टयार्ड मैरियट के ऑनर अतुल सराफ ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि मैरियट बॉनवॉय के 31 असाधारण ब्रांडों वाले पोर्टफोलियो के अंग कोर्टयार्ड बाय मैरियट ने भारत के सबसे ऐतिहासिक शहरों में से एक के अंदर अपने ब्रांड की शुरुआत का जश्न मनाते हुए कोर्टयार्ड बाय मैरियट गोरखपुर के उद्घाटन का ऐलान किया है। यात्रियों की ज़रूरतों को हर जगह बेहतर ढंग से पूरा करने के ब्रांड मिशन पर खरा उतरने वाला कोर्टयार्ड बाय मैरियट गोरखपुर एक दुनियादार किंतु ऐसा आरामदायक माहौल उपलब्ध कराने के लिए तैयार है जो मेहमानों को शक्ति देता है, फिर चाहे वे कारोबार या आनंद के लिए यात्रा कर रहे हों। गोरखपुर के सिटी सेंटर में बसें और महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट से मात्र 30 मिनट की ड्राइव पर सुविधाजनक रूप से स्थित 97 कमरों वाला ये होटल गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन और गोरखपुर बस स्टेशन के साथ अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। यहाँ से शांत व निर्मल पृष्ठभूमि के रूप में रामगढ़ताल झील का मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व रखने वाले गोरखपुर मेहमानों को अपने ऐतिहासिक व प्रतिष्ठित स्थलों की विशाल सूची खोजने के लिए आमंत्रित करता है। मेहमान लोग पूजनीय गोरखनाथ मंदिर में पुष्पांजलि अर्पित कर सकते हैं। इस दौरान घर से दूर रहते हुए भी अपने फिटनेस रूटीन बरकरार रखने की चाहत रखने वाले स्वास्थ्य के प्रति जागरूक यात्रियों के लिए होटल व सुसज्जित फिटनेस सेंटर और एक रामणीय आउटडोर स्विमिंग पूल तैराकी या तेज कसरत करने के लिए तैयार रहता है। कोर्टयार्ड बाय मैरियट गोरखपुर में इवेंट के 4 वर्सेटाइल स्थल मौजूद हैं, इटर्निटी, लेक साइड लॉन, इलीट लॉन और सिगेट। इसके साथ साथ यहां शादियों के लिए समर्पित एक वेडिंग स्टूडियो भी बनाया गया है। लगभग 7300 वर्ग फुट का एक स्तंभ रहित वॉल रूम भी तैयार है जो बैठकों, सम्मेलनों, शादियों और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए सर्वथा उपयुक्त है। वेरी वार्म वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका, स्पेशली हमारे मीडिया पार्टनर्स और पत्रकार जो काफ़ी अलग अलग क्षेत्र से आए हैं उत्तर प्रदेश के इस कवरेज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और बहुत बहुत बधाई आप सबको भी, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक पल है गोरखपुर के लिए। दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड यहाँ पे लॉन्च हो रहा है, कोर्टयार्ड बाय मैरियट गोरखपुर। विश्व की सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी कंपनी आज यहाँ पे पैर रख रही है और आज से हम शुरुआत कर रहे हैं एक प्रोफेशनल हॉस्पिटैलिटी ऑफर करने के लिए इस शहर को, जो इंडिया का अब सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग शहर बन गया है, राइट। सो इस शहर को चाहिए एक अलग तरह का हॉस्पिटैलिटी और वही हम ऑफर करने आए हैं। धन्यवाद हमारे सारे ओनरशिप का, आयुष्प्रा ग्रुप और KK ग्रुप, जिन्होंने पिछले 4.5 साल से इस प्रोजेक्ट पे काम किया है और सब कुछ ब्रांड स्टैंड के हिसाब से बनाया है। इस होटल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, सो 97 रूम्स से हम शुरुआत कर रहे हैं और इवेंचुअली हम 136 रूम्स इस होटल में ऑपरेट करेंगे अगले साल तक। हमारे रूम्स कैटेगरी जो है वो डीलक्स एग्जीक्यूटिव और सुइट में है। सारे रूम्स से आपको गार्डन व्यू, पूल व्यू और लेक व्यू मिलेगा। सो एक बेहतरीन एक्सपीरियंस हम प्रॉमिस कर रहे हैं यहाँ पे। देर इज़ नो अदर व्यू दैट यू विल गेट एक्सेप्ट दिस 3 व्यूज। सो ये एक बहुत बड़ा USP है इस होटल का। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए कोर्टयार्ड मैरियट के ऑनर अतुल सराफ ने कहा, मैं अनूप सराफ आशप्रा से सबसे पहले तो अपने नगरवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये मैं मानता हूं कि ये मेरा तोहफा नहीं है, बल्कि शहर ने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये तोहफा हमें दिया है, क्योंकि जिस तरीके से हमारा प्रदेश और शहर तरक्की कर रहा है, इस तरीके के 5 सितारा होटल की आवश्यकता है गोरखपुर में, क्योंकि आसपास का जो 100-150 किलोमीटर का क्षेत्र है उनके लिए इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। कोई भी किसी को अगर बड़ा कार्यक्रम करना है या छुट्टी या पर्यटन के दृष्टि से भी कहीं जाना है या 2 दिन के लिए ही अपने परिवार के साथ कहीं निकलना है, तो उसके पास जो विकल्प है वो या तो लखनऊ जाए या दिल्ली जाए या कम से कम 300-400 किलोमीटर दूर कोई जगह चयन करें।
तो ये जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी बनाई है, जो होटल बनाया है, ये 7.5 एकड़ के लैंड पे है और रामगढ़ताल के ठीक सामने है, जो कि आज के दिन इतना खूबसूरत हो चुका है साफ़ सफाई की वजह से। और मैं मानता हूं कि इस तरह की प्रॉपर्टी आसपास के क्षेत्र में कहीं भी नहीं मिलेगी। इसमें 136 कमरे हैं, बड़े बैंक्वेट और छोटे बैंक्वेट हॉल हैं, 2-3 लॉन्स हैं। आदमी हर तरीके का कार्यक्रम, छोटा हो बड़ा हो, शादी विवाह का कार्यक्रम कर सकता है। इसमें स्पा है, स्विमिंग पूल है, जिम है, तो आप चाहें तो अपने परिवार के साथ 1-2 दिन के लिए छुट्टी भी यहाँ मना सकते हैं। खुली जगह है, खुला वातावरण है, सामने लेक है, बड़े बड़े पार्क्स हैं, ऊंचे पेड़ हैं, हरियाली है, तो आ करके आदमी यहाँ पूरा अच्छे से रिलैक्स किया जा सकता है। मुख्यमंत्री की जो सोच रही कि पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए जी, तो क्या उस दृष्टि से आप लोगों ने इसकी सोच को शामिल किया है? जी बिल्कुल, ये उनकी सोच का ही परिणाम है, जो कि हमारा प्रदेश आज, मैं मानता हूँ कि पूरे देश में अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो बहुत ही अग्रसर, बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और इन सबों का ही ये रिएक्शन है, जो कि इस प्रॉपर्टी को हम लोगों ने इसको बनाया है, क्योंकि जब चीज़ें विकसित होती हैं तो डिमांड भी होती है और लोग इस तरह की अपेक्षा भी करते हैं शहर से। ये मुख्यमंत्री के लिए क्या कहना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ के लिए? योगी जी हमारे पूज्य हैं और हम लोग तो बहुत छोटे से, बहुत समय से महाराज जी से जुड़े हुए हैं और आज वो मुख्यमंत्री पद पर हैं, हम लोग के लिए बहुत गौरव की बात है। और जिस तरीके से उन्होंने आ करके कार्यभार संभाला और हमारे प्रदेश को एक अलग ऊंचाइयों पे ले गए हैं, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये सब उसी की देन है कि उनके साथ साथ हमारा देश और हम सब आगे बढ़ रहे हैं। आयकर विभाग में शुक्रवार को निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में संयुक्त आयकर आयुक्त सुनील कुमार राजवंशी ने बताया कि यह स्वास्थ्य शिविर आयकर विभाग की तरफ से आयोजित हुआ है, जिसमें कान, ब्लड शुगर जांच, बीपी चेक किया जा रहा है, जो कि आयकर विभाग के सभी कर्मचारियों का हो रहा है, जिसमें 400 से 500 कर्मचारी हैं, सभी एक जांच किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि सभी कर्मचारी स्वस्थ रह सकें और उनको आगे काम करने में किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसलिए ये शिविर हर साल आयोजित होता है। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए आयकर विभाग के संयुक्त आयकर आयुक्त सुनील कुमार राजवंशी अमलेंदु नाथ मिश्रा ने कहा, ये स्वास्थ्य शिविर हम लोग करा रहे हैं आयकर विभाग की तरफ से, गोरखपुर की तरफ से। इसमें यहाँ ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर हैं और जनरल फिजिशियन हैं यहाँ पर, और एक डॉक्टर आपके ENT वाले हैं। इसके अलावा हमारी सेवाएं जो यहाँ पर दी जा रही हैं वो आपके रैंडम ब्लड शुगर चेक कराना है और बीपी चेक कराना है, वेट नापना है। कितने लोग का जांच होगा? ये लगभग हम ओपन टू ऑल है, सभी के लिए है, और मेरे हिसाब से यहाँ 400-500 लोग जो यहाँ पर परिसर में रह रहे हैं वो तो आएंगे, लाभान्वित होंगे इससे। सर हर साल होता ही है? ये हर साल एक क्रिया है और मैं तो अभी रिसेंटली पोस्टेड यहाँ पर हुआ हूँ, तो नाम और पद। मेरा नाम सुनील कुमार राजवंशी और मैं संयुक्त आयकर आयुक्त हूँ।